हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज जो वीडियो आपके सामने पेश है ये है थॉमस हार्डी द्वारा लिखी हुई कविता वेदर्स, मौसम। थॉमस हार्डी एक इंग्लिश कवि थे, इसके अलावा ये नॉवलिस्ट भी थे, उपन्यास भी लिखते थे। और इनका जन्म जून 1840 में हुआ था और इनका जीवन काल रहा जनवरी 1928 तक। इनकी राइटिंग्स रोमांटिसिज्म, जो सौंदर्य वाद जिसमें झलकता है, उससे प्रेरित थी। और इनके कई मशहूर नॉवेल्स हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्योर के साथ ही इनकी दूसरे भी नॉवेल्स हैं। और इसके साथ साथ ही इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। तो उन्हीं कविताओं में से एक है वेदर्स। तो यहाँ पे कवि ने दो मौसमों को साइड बाय साइड पेश किया है। इनमें से एक जो वेदर है उसको कवि पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें सर्टेन चीजें होती हैं, और इसी तरह उसमें से एक जो वेदर है उसको कवि पसंद करते हैं क्योंकि उसमें भी सर्टेन चीजें होती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इस कविता में इन्होंने पेश किया है। तो चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन कि कवि इन लाइनों में क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो पहली लाइनें हैं इसमें कवि ने जो स्प्रिंग, जो बसंत है, उस मौसम का जिक्र किया है इसमें। और वो कहते हैं, दिस इज द वेदर द कुकू लाइक्स। ये वो मौसम है जिसे कोयल पसंद करती है, एंड सो डू आई, और मैं भी पसंद करता हूँ। व्हेन शावर्स बी टंबल द चेस्टनट स्पाइक्स। व्हेन शावर्स, जब बरसात की जो बूंदे होती हैं वो बी टंबल कर देती हैं, मतलब वो गिरा देती हैं। चेस्टनट एक फल होता है और इसका जो बाहर का कवर होता है उस पे बहुत सारे नुकीली कांटों जैसा एक झुंड सा होता है, जिसे कि यहाँ पे कवि ने स्पाइक्स कहा है। और जब बरसात की बूंदे इन पे गिरती हैं तो ये जो स्पाइक्स होती हैं ये गिरने लगती हैं। एंड नेस्लिंग्स फ्लाई, नेस्लिंग्स कहते हैं चिड़ियाओं के छोटे बच्चों को, और ये वो समय होता है जब चिड़ियाओं के छोटे बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं। एंड द लिटिल ब्राउन नाइटिंगेल बिल्ड्स हिज बेस्ट। और ये छोटी भूरी जो बुलबुल होती है नाइटिंगेल, ये बिल्ड्स हिज बेस्ट, तो इसकी चोंच से जितनी भी प्यारी आवाज निकल सके ये निकालने की कोशिश करती है। तो ये वो मौसम होता है जिसमें बुलबुल भी बहुत अच्छा गाना गाती है। एंड दे सिट आउटसाइड एट द ट्रैवलर्स रेस्ट। और ये जो है ट्रैवलर्स रेस्ट नाम की जो जगह है, शायद ये कोई होटल हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत सारे पैसेंजर यात्री आके वहां बैठते हो, आराम करते हो, तो ऐसी जगहों पे ये इकट्ठे होती है। एंड मेट्स कम फोर्थ स्प्रिग मसलिन ड्रेस्ड। मेट्स से मतलब हो गया जो लड़कियां होती हैं, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई, जैसे जिसपे फूल वगैरह बने होते हैं, पत्तियां जैसे बनी होती हैं, उस तरह की कॉटन की ड्रेस मसलिन पहनी होती है। तो पहनावे में भी काफी सुंदरता होती है लोगों की, खास करके लड़कियों की। एंड सिटीजन्स ड्रीम ऑफ द साउथ एंड वेस्ट। और जो दूसरे लोग हैं वो दक्षिण और पश्चिम के सपने देखते हैं, एंड सो डू आई, और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और यहाँ पे साउथ एंड वेस्ट कहने का मतलब ये है कि लोग ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये ऐसा मौसम होता है। और यही बातें कवि पे भी लागू होती है। अब हम आते हैं बात की अंतिम लाइनों में, और इसमें जो कवि हैं वो कॉन्ट्रास्ट पेश कर रहे हैं कि कैसे जो पहले वाला मौसम था इतना अच्छा होता है, वहीं ये जो दूसरा मौसम है ये बहुत बुरा होता है, जो कि ना लोगों को पसंद है और ना ही कवि को। दिस इज द वेदर द शेपर्ड शंस। शेपर्ड्स कहते हैं जो मवेशियों को चराते हैं। तो ये ऐसा मौसम होता है जैसे कि ये मवेशी चराने वाले भी पसंद नहीं करते, शंस, एंड सो डू आई। और कवि को लगता है कि इनकी भी फीलिंग्स इस मौसम के बारे में ऐसी ही है। व्हेन बीचेस ड्रिप इन ब्राउन्स एंड डन्स। बीचेस से मतलब यहाँ पे एक पेड़ हो गया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक फोटो मैंने लगा के आपको दिखाने की कोशिश किया। तो ये जो है बीच के पेड़ है, और ये जो बीच के पत्ते होते हैं ये पीले होकर गिरते हैं, ड्रिप इन ब्राउन्स। और डन्स, डन्स से मतलब हो गया यहाँ पे एक राख की कलर। एंड थ्रेश एंड प्लाई, और जो पेड़ होते हैं या इसके जो पत्ते होते हैं, जो इसकी टहनियां होती हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया हो। एंड प्लाई, वो मुड़े तुड़े होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस मौसम में हवाओं का जोर इतना होता है
रूखापन इतना होता है कि पेड़ों के पत्ते जड़ों के नीचे गिरते हैं, वो हवाओं से मुड़ते हैं, टहनियां जो हैं ऐसी हो जाती हैं जैसे कि उन्हें मारा पीटा गया हो। एंड हिल हिड टाइड्स थ्रॉब थ्रो ऑन थ्रो। और ये जो नदियां होती हैं जो पहाड़ों के पीछे छुपी होती हैं, हिल हिड, ऐसे बाहर आती हैं जैसे दर्द का जैसे सैलाब आता है, जैसे कि वो रुक नहीं सकते, इतना फोर्स होता है उनमें। थ्रो ऑन थ्रो, वो ऐसा ये बारंबार करती हैं, मतलब हर बार ये बहुत ही उफन के बाहर की ओर आती हैं। एंड मेडो रिवलेट्स ओवरफ्लो। और जो घास के मैदान होते हैं मेडो, और उनसे निकलती हुई जो रिवलेट्स कहते हैं छोटी नदियों को, ये पूरी भरी होती हैं, इनमें सैलाब सा आया होता है। एंड ड्रॉप्स ऑन गेट बार्स हैंग इन ए रो। और जब बरसात का पानी जो बूंदों के रूप में गेट बार्स जो गेट लगे होते हैं उनकी सलाखों पे बूंदों के रूप में एक के बाद एक के रूप में लगे होते हैं। एंड रुक्स इन फैमिलीज होमवर्ड्स गो। और रुक्स कहते हैं एक किस्म के कौवे को, और ये ज्यादातर बाहर निकलते हैं और जो भी इनको मिलता है बाहर खाने को ये खाते हैं। लेकिन इस समय या इस मौसम में इनकी भी जो फैमिलीज होती हैं, मतलब ये भी जो अपने झुंड में होते हैं, ये घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। एंड सो डू आई। और इसी तरह कभी भी इस मौसम में बाहर नहीं आना चाहता। तो दोस्तों, ये था इस पोयम की हिंदी ट्रांसलेशन। होपफुली आपको पसंद आया हो, जरूर बताइएगा कैसा लगा। और जल्द ही आपसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।